हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक एनाजन हिट ट्रांसप्लांट से। अगर आप कल्याण मुंबई में रहते हैं और जानना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ हिट ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आता है, बेस्ट हिट ट्रांसप्लांट सेंटर कौन से हैं, कैसे डिसाइड करें राइट हिट ट्रांसप्लांट सेंटर जो कि एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर भी मिल जाए और क्वालिटी भी मिल जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेफ भी हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले मैं अपनी टीम से मिलाना चाहूंगा। ये है डॉक्टर निशांत, प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। ये है हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट और ये हमारे फेशियल सर्जन्स। बाकी सर्जरी चल रही है जहाँ दूसरे डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस अपना काम कर रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ए ट्रांसप्लांट। एनाजन क्लिनिक की कॉस्ट होती है तीन कैटेगरी, 15 रुपये पर ग्राफ्ट, दैट इज 15 रुपीज पर ग्राफ्ट, 25 रुपीज पर ग्राफ्ट या 50 रुपीज पर ग्राफ्ट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताता हूँ। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कितने ग्राफ्ट नॉर्मली आपको लग सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ रिसीडिंग हेयर लाइन है दोनों तरफ तो करीब 2000 ग्राफ्ट। ओके, अगर आप, मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर आपको मैकडोनल्ड शेप, वी शेप है तो अराउंड 2000 ग्राफ्ट, हज़ार। अगर आप मिड स्कैल्प तक खाली है आपका स्कैल्प तो करीब आपको 3000 ग्राफ्ट लगेंगे। क्राउन के जस्ट पहले तक आप जा रहे हैं तो 4000-4500 ग्राफ्ट लगेंगे। थोड़ा सा क्राउन को पीछे तक करते हैं तो 5000 ग्राफ्ट लगेंगे। ओके, यहाँ तक 4000, यहाँ तक 4500-5000, चाहिए तो ज़्यादा लेकिन इतने में भी हम कवर कर सकते हैं। एवरेज डोनर में 4000 से 5000 ग्राफ्ट नहीं होते लोगों के, तो फर्स्ट सेशन जो होता है हम 4-5000 ग्राफ्ट ही करते हैं। नाउ अगर आपने 2000 ग्राफ्ट किए 15 रुपये के हिसाब से तो आपको 30,000 रुपये लगे, 4000 ग्राफ्ट किए 15 रुपये के हिसाब से तो आपको 60,000 ग्राफ्ट लगे। हम लोग एक दिन में क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 2000 मैक्सिमम 2500 ग्राफ्ट करते हैं, तो दो दिन की सर्जरी 4000 ग्राफ्ट। तो ये तो एनाजन की बात हो गई। नाउ इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि ग्राफ पीछे से पंच करते थे, बाहर रखते थे सॉल्यूशन में, फिर लंच के बाद लगाते थे। अब जैसे उंगली कट गई, मेरे को फटाक से लगाना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब इसका गया, मैं जितनी देर लगाऊंगा ये सर्वाइव नहीं करेगी। हेयर भी एक ऑर्गन है, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, तो इमीडिएटली उसको लगाना पड़ता है। तो जो 2021 तक की हमारी टेक्निक थी जो कि बहुत बेटर है, उसमें हम 1 घंटे से ज़्यादा ग्राफ बाहर नहीं रखते हैं, तो उसको हम 15 रुपीज़ ग्राफ चार्ज करते हैं। आपको भी चेक करना है, अधिकतर जगह तो अनफॉर्चुनेटली 4-5 घंटे बाहर रहते हैं। दूसरी टेक्निक होती है सिर्फ हम आधे घंटे बाहर रखते हैं। तीसरी टेक्निक होती है, तो बड़ी टीम होती है, एक ने स्लिट्स बनाया, एक ने पंच किया, दूसरे ने लगाया, एक ने पानी डाला, कोई लोकल एनेस्थीसिया दे रहा है, कोई ट्रॉली को मैनेज कर रहा है, बड़ी टीम लगती है। उसमें साइमल्टेनियसली ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ्ट बाहर है 3 से 15 मिनट में हाथ पे भी रखा तो वो मर सकता है। एक पौधा आपने निकाला गमले से, दूसरे गमले में लगाया, इमीडिएट अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो मर सकता है। तो ग्राफ्ट को बचाना है, ग्राफ्ट एक डायमंड है। टीम बड़ी लगती है इसलिए उसमें 2500 रुपये ग्राफ्ट लगते हैं। 50 रुपये क्यों? VIP पेशेंट आ गए, हाइफन टू पेशेंट आ गए, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आ गए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, थोड़ा पैम्परिंग भी करना पड़ता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ करना पड़ता है, ऑफकोर्स कुछ और एडिशनल चीज़ें, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को 15 से 25 रुपये ग्राफ में ग्रेट क्वालिटी मिल जाएगी। ओके, EMI फैसिलिटीज़ भी होती हैं। अब हम बात करते हैं, एक्चुअली तो 10 से 100 रुपये ग्राफ्ट होता है पूरे इंडिया में और मुंबई में। अगर आप देखो तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कैसे मैं चूज़ करूँ। तो पहला पॉइंट है, आपको कॉस्ट के हिसाब से क्लिनिक नहीं चूज़ करनी है। ओके, आपको पहले डिसाइड करना है कि क्वालिटी क्लिनिक्स कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद उनमें से कॉस्ट वेरिएशंस देके आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। अपन उसको डिस्कस करते हैं क्यों। तो एक तरफ हमें लेते हैं ग्रेट क्लिनिक्स जो कि थोड़ा हाई कॉस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, और यहाँ ले लेते हैं नॉन MBBS डॉक्टर्स, सलॉन्स, टेक्नीशियंस, बिजनेसमैन जो इतना लो करते हैं, उसका नुकसान क्या है, और लास्ट में बताऊंगा जो इन दोनों के बीच में होते हैं जो सेम क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं और थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ा के आपको एक हिंदुस्तानी जुगाड़ जिसे कहते हैं ना अफोर्डेबल कॉस्ट, इंडिया इज नोन फॉर ग्रेट क्वालिटी विद अफोर्डेबल कॉस्ट, दो देन इंडिया इज हिट। टीम लगती है, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बढ़िया ट्रांसप्लांट हो सकता है अगर सुपर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो इस तरफ के हम क्लिनिक्स लेते हैं 50-60 जो इंडिया में टॉप में है, इनकी कॉस्ट क्यों ज़्यादा है? उनको एनेस्थेटिस्ट रखना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट होती है। एनेस्थेटिस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आपने भी देखा हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से पूरे वर्ल्ड में 5-7 कॉम्प्लिकेटेड केस आ ही जाते हैं, तो अपन को अपने जीवन रिस्क में नहीं रखना है। एनेस्थेटिस्ट इमरजेंसी डॉक्टर कमांडो होता है, वो भी 6,000 रुपीज़ पर डे लेगा। दूसरा जो हम करते हैं TMT स्ट्रेस टेस्ट, हार्ट का हम चेकअप ज़रूर करते हैं। हिंदुस्तान में 30 से 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो हम कोई भी ऐसा केस नहीं लेना चाहते जिसमें कि इस तरह का डेंजर हो। आपने भी न्यूज़ में देखा है कितने यंग लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं। तो TMT स्ट्रेस टेस्ट, एनेस्थेटिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लो कॉस्ट वाला कोई दूर दूर तक भी नहीं रखने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, एक्सपीरियंस कितना है डॉक्टर का। देखिए, क्वालिफाइड डॉक्टर तो ग्रेट, बट अगर कोई नया प्लास्टिक सर्जन है, नया डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसको 300-500 केस तो करने पड़ेंगे, तब वो सीनियर के लेवल में आएगा। तो ये भी देखना है कि 5 साल
कम से कम क्लिनिक चलना चाहिए तो उसको 400-500 ग्राफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा होता है कि भाई ओटी कैसी है, डिफिब्रिलेटर है कि नहीं, इमरजेंसी ट्रॉलीज हैं कि नहीं, यू नो ऑल द इमरजेंसी सिस्टम्स हैं कि नहीं, कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो, हाइजीनिक स्टरिलिटी कैसी है, स्वैब ले रहे हैं ओटी का कि नहीं ले रहे हैं, राइट। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, जिसके ब्रांचेज होंगे वो सही नहीं है, क्यों? ओनर इंपॉर्टेंट है, इज्जत उसकी है, सब कुछ उसका है, तो जो क्वालिफाइड ओनर होना चाहिए बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, ओके। सो जो क्वालिफाइड ओनर है अगर वो भी 20 क्लिनिक खोलेगा तो मेंटेन नहीं कर पाएगा। हमारा एक ब्रांच है, एक टीम है और एक सर्जरी है, ओके। उसी क्लिनिक में आपको जाना, एक ब्रांच, एक टीम, एक सर्जरी, ओनर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर अधिकतर 50 के बाद आई साइट थोड़ी वीक हो जाती है, अधिकतर 50 के बाद में भी बैक इशू है तो 7 घंटे बैठ नहीं सकते, मगर ओनर खड़ा तो रहना चाहिए कम से कम ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ओके। सो ये तीन बातें। फिर आता है कि इक्विपमेंट्स की क्वालिटी, भाई 10-20 हज़ार की भी एक मशीन आती है FU की और 5-10 लाख की भी आती है। उसके बाद होता है पंचेस, 500-700 के भी आते हैं, 25 हज़ार के भी आते हैं। उसके बाद होता है कीप इम्प्लांटर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो बहुत थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो ये सभी लोग चीज़ यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी इतनी कॉस्ट होती है जो टॉप 50 डॉक्टर्स हैं इंडिया में। इधर आ जाइए, नो एनेस्थेटिस्ट, लो कॉस्ट में, क्वालिटी स्टरिलिटी क्या है किसी को पता नहीं, कोई भी पेशेंट आ रहा ले रहा है, लेकिन जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे वो मना करेंगे, कार्डिया केस नो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज नो, कन्वल्शंस नो, हाइपरट्रॉफिक स्कार किलॉइड नो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अनकंट्रोल्ड आप कन्वल्शंस हैं, आपको हार्ट अटैक है, मत कीजिए ट्रांसप्लांट, जान ज़्यादा जरूरी है ट्रांसप्लांट नहीं। तो अच्छा डॉक्टर एथिक्स की बात करेगा, पुश नहीं करेगा, सेल्स नहीं करेगा, जहाँ नहीं चाहिए मतलब नहीं, और आपको प्रॉज एंड कॉन्स बताएगा। इधर वाले क्या बोलेंगे, 25 साल मेरे ग्राफ्ट चलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो नो नो, कुछ जादू नहीं हो सकता, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बताने पड़ेंगे। आपका डोनर अच्छा है तो बाल अच्छे, डोनर वीक तो बाल वीक, कितने साल का चलेगा, हर कोई बोलता है लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है भाई, मैं सच बताता हूँ, 3-7 साल चल गया बहुत है, किस्मत है तो 10 साल, क्योंकि आजकल यहाँ से भी जो अपन बाल लगाते हैं ना वो भी शेड हो सकते हैं, मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। थैंक यू, आप नीचे कमेंट्स लिखें, आपको वीडियो में और क्या चाहिए, अगर आप नीचे नंबर भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं, आप अपने फोटोज भेज सकते हैं, फ्रंट से, टॉप से और पीछे से, तो हम बताएंगे, हमारे मेरे असिस्टेंट जो डॉक्टर हैं वो आपको बताएंगे कितने ग्राफ्ट लगेंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी। प्लस अगर आप मुंबई में नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम, आप कहीं पर भी करना चाहते हैं तो आप अपने फोटोज भेजिए, हमारे 25-30 टॉप डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में, हम आपको उधर भी रेफर कर सकते हैं आपके शहर में, और डेफिनेटली अगर हम उनको फ़ोन करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर कॉस्ट।